बट नहीं मिला तो हमारे साथ तो कांड होने वाला है, सबसे बड़ा कांड इन भाई साहब के साथ होने वाला है। एटीएम, एटीएम के जस्ट पास में शॉप, इनका नाम है चांदना फूड कोर्ट, बेसिकली स्पेशल वेज मोमो मिलते हैं। क्या हुआ, यहाँ कैसे आ गए? उधर खाना था, कोई बात नहीं, चलो वहाँ खाएंगे। हम लोग वहाँ खा रहे हैं, हमको ये रास्ता पता था, ये बाकी लोगों को पता नहीं होता, बेसिकली आप लोगों को बता रहा हूँ इस ब्लॉग के जरिए, क्योंकि जहाँ बर्फ दिख नहीं रही, कोई देख नहीं पा रहा, जान नहीं सकता, हमने ढूंढ के आपके जगह निकाली, वो भी ऐसी हिडन प्लेस निकाली जो किसी को पता भी नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा, और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसी ऑफ बीट लोकेशन में जो कि शायद ही आपको पता हो, क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करें तो जब भी कोई देहरादून आता है, उत्तराखंड में कहीं भी आता है, सबसे पहले मसूरी, नैनीताल ऐसी प्लेसेस का नाम लेता है, पर जिस प्लेस हम जाने वाले हैं वो बहुत कम लोग लेते हैं उसका नाम। तो उस प्लेस का नाम चकराता, जिसको बेसिकली 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के आदमी ने डिस्कवर किया था, और 1869 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने वहाँ पे अपना कैंटोनमेंट स्थापित किया था, वहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक यूनिट वहाँ पे स्थापित की थी। उसके बाद जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी एक तिब्बतियन आर्मी की, तिब्बतियन फोर्स वाली आर्मी की एक यूनिट वहाँ पे तैनात की है। तो बेसिकली कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी से प्रोटेक्टेड है। वहाँ से आगे हम जाते हैं चाई सील, और उसके आगे जाके थोड़ा सा तिब्बतियन बॉर्डर भी पड़ता है। सो ये बेसिकली देहरादून से 80-85 किलोमीटर दूर है। हम थोड़ा देहरादून के आउटस्कर्ट में रहते हैं, तो हमारे यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं, यहाँ से 2-2 घंटे का रास्ता है। एंड द पर्पस हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज देहरादून डिस्ट्रिक्ट में चकराता जो टाउन है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जब भी स्नोफॉल होता है, यानी कि ऊपर मसूरी में या धनौल्टी, तो सबसे पहला स्नोफॉल जो है वो चकराता में होता है बेसिकली। सो इसलिए आज वेदर का फोरकास्ट जो था उसमें रेनफॉल था, तो हमको लगा कि स्नोफॉल होगा, तो हम स्नोफॉल देखने जा रहे हैं। स्नो तो वहाँ पे कल भी परसों भी गिरी थी, तो स्नो पड़ी हुई तो बट लेट्स सी हमको स्नोफॉल मिलता है कि नहीं। तो आपको भी देहरादून का उत्तराखंड का सेकंड स्नोफॉल जो है वो हम आपको आज दिखाते हैं। सो लेट्स गो, हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं आज। सो चलते हैं, एक बार पहुंचते हैं वहां पे, पहुंच के आपको स्नोफॉल दिखाते हैं। अरे भाई लोग, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, तो लग रहा है ऊपर स्नोफॉल तो होगा। लेट्स सी, सुनील को थोड़ा सा प्रेडिक्शन मिला है वेदर का यहाँ पे गूगल से, बट वो गूगल का प्रेडिक्शन यहाँ पे सही नहीं होता एक्चुअल में, बट बारिश हो रही है, देखो शायद हो जाए। रास्ता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो देहरादून में क्लॉक टावर है वहाँ से आपको चकराता रोड करके, यहाँ पे स्पेसिफिकली रोड है जो सीधा चंडीगढ़ की साइड जाती है पौंटा साहिब होते हुए, उस पर 29 किलोमीटर के लिए आना है। हमारे यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर था, वहाँ से एक राइट टर्न लेना है, जीपीएस में दिखा रहा है आगे हमको 130 मीटर्स में राइट टर्न लेना है, फिर वो वाया विकास नगर होते हुए कालसी होते हैं। कालसी इज अ प्लेस जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है, और कालसी इज द प्लेस जहाँ से आपका कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट होता है। और गुड थिंग अबाउट दिस कि वहाँ के आगे, उस पॉइंट के आगे फॉरिनर्स अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे, तो अगर कोई इंडियन पासपोर्ट वाला नहीं है और आना चाह रहा तो चकराता नहीं आ सकता, उनके लिए बैंड है। तीस किलोमीटर आने के बाद हम पहाड़ के पास आने वाले, लेफ्ट साइड में अगर देखोगे आप लोग, इधर ना सारे आम के बाग है। गर्मियों के टाइम में आओ ना, इधर से आम चुरा के खाने में बड़ा मजा आता है। आगे अपन जा रहे हैं, थोड़ी देर में ना एक प्यारा सा ब्रिज आने वाला, वहां से भाई व्यू देखना, क्या ताबड़तोड़ व्यू आता है वहां से। पहले सोचा था कि उस व्यू पॉइंट को थंबनेल बना लेता हूँ, बट आज तो थंबनेल अपना स्नो वाला होने वाला है ना, सो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। ये जो राइट पे रास्ता जा रहा है, ये बेसिकली यमुनोत्री की तरफ जाता है। यहाँ से अगर आप जाओगे तो सीधा लाखा मंडल निकलता है। लाखा मंडल भी चकराता में एक डेस्टिनेशन है, बता दो आप लोग को। लाखा मंडल इज अ प्लेस जहाँ पे भगवान शंकर के 1.25 लाख शिवलिंग है बोला जाता है, और जब पांडव स्वर्ग को गए थे वहाँ पे एक गुफा है, वहां से वो स्वर्ग को गए थे। वहां पे एक मतलब वो एक प्लेस भी है जहाँ पे युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग स्थापित किया था, और एक कुत्ते की स्टोरी है वहां पे, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ना एक तो चार शिवलिंग है, सतयुग का एक है, एक द्वापर युग का, एक त्रेता युग का, और एक कलयुग का, चार युग के अलग अलग शिवलिंग है। और एक शिवलिंग ऐसा है जहाँ पे ना वो मिरर इमेज आती है, अगर आप वहाँ पे जल डालोगे ऊपर से तो आपकी मिरर इमेज आती है,
और वहां पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले वो अभी तक खुदाई कर रहे हैं, तो वहां पे जहां भी खुदाई कर रहे हैं वहां शिवलिंग निकलता है। सो कहानी ये कि वहां पे 125,000 शिवलिंग है, इसलिए उस प्लेस का नाम लाखा मंडल रखा गया है। होटल्स वगैरह भी है, होली प्लेस है, तो अगर कोई चक्राता जाने का प्लान कर रहा है 3-4 प्लेस है जहां आप जा सकते हो, उसमें से एक हो गया ये लाखा मंडल। वन इज टाइगर फॉल, टाइगर फॉल जो वाटरफॉल, उसके पास भी काफी सारे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। उसके बाद एक प्लेस है लोखंडी, अगर मान लो आपका बर्फ कम पड़ी है, चक्राता में नीचे बर्फ नहीं मिलती है, तो वहां से आप 20 किलोमीटर ड्राइव करके जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा नैरो रोड है, सो ऊपर आपको वहां पे स्नो आराम से मिल जाएगी पड़ी हुई, बिकॉज तो वहां पे सनलाइट थोड़ी सी कम मिलती है। फोर्थ इज देवबन लेक, देवबन लेक भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, बट आप लोग मत जाना अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो, और या तो अगर आपको ऑफ रोडिंग थोड़ी मोड़ी नहीं आती है तो, पत्थरों वाला रास्ता है 15 किलोमीटर के आसपास, आप वो नेशनल पार्क टाइप का है एक, उससे अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको वहां पहुंच के थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करने के बाद एक लेक मिलेगी जो कि 3 महीने तक पूरी की पूरी फ्रोजन हो जाती है। मैं पहले गया हुआ हूं तो इसलिए कुछ फोटोज डाल दे रहा हूं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इफ यू वांट टू गो टू चक्राता, सो यू मस्ट एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल। अब थोड़ा सा जाम लग गया हमारा थंबनेल वाला पॉइंट जो हमने सोचा था, बट अभी नहीं करेंगे वो पॉइंट आने से पहले, बट वो पॉइंट आप लोग को दिखाना जरूर है। सुनील का बहुत ज्यादा फेवरेट पॉइंट है, सुनील ने बहुत फोटोज खींची हुआ है ना सुनील? जी मैं पहली बार गया था, खूब सारे फोटो, उसके बाद नहीं लिया, उसके बाद गया ही नहीं था। फ्रेंड्स ये देखो, ये वाला वो ब्रिज है और यहाँ से व्यू देखना भाई, दोनों साइड से पहाड़ों का इतना सेक्सी सा व्यू आता है, वन ऑफ द बेस्ट व्यू अगर आप जा रहे हैं और आप पहाड़ चढ़ना चालू भी नहीं किए अभी, उसके पहले ये सारा व्यू आ जा रहा है। सारे मजे लोग यही ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं ऊपर क्या मिलने वाला जब यहाँ से इतना है तो। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या लगता है पता है, कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पे देखे थोड़ा सा पहाड़ है, गाड़ी रोक ली, फोटो खींचना चालू कर दिए, मतलब पहुंचते पहुंचते तो बोर हो जाएंगे वो, उसके बाद फिर वहां जाकर क्या मजे करेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ नहीं रुके, अपन सीधे डायरेक्टली पहले स्नो देखेंगे उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये सारे व्यू जो है ना उतने ज्यादा मजेदार नहीं लगते हैं। हम पहुंच गए हैं कालसी, कालसी भी एक छोटा सा टाउन ही है, गांव टाइप का है, बट कालसी के आगे वो कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट होता है, शूट करना वहां पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहां पे कोई शूट तो नहीं करेंगे, बट वहां से मैं बता रहा हूँ कि कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट होता है जिसके आगे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है बेसिकली। और आई गेस यहीं पे 2-3 पेट्रोल पंप है जो यहाँ के आखिरी पेट्रोल पंप है, तो अगर आपको आगे ऊपर की तरफ जाना तो यहाँ से आप डीजल या पेट्रोल फुल करवा के, बिकॉज आगे यहाँ पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको, फिर वो बॉटल वाला सेकंड हैंड पेट्रोल जो है वो लेना पड़ेगा, जो आपको 125 रुपए लीटर के आसपास वो लोग बेचते हैं, बट जुगाड़ करने पे वो तो मिल जाता है कम से कम। बट सजेस्टेड ये है कि अगर आप इधर से जा रहे हो तो गाड़ी का टैंक फुल करके ही जाओ। सो फाइनली कालसी क्रॉस करने के बाद हम पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया हमने, अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास पहाड़ चढ़ना है आपको, उसके बाद हम चक्राता पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई सबसे बड़ा हेडेक हो रहा है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, नीचे हो रही थी ऊपर बारिश नहीं दिख रही, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा कि पड़ी बर्फ देख के वापस आना पड़ रहा है, जो भी है पड़ी बर्फ तो दिखेगी कम से कम। लेकिन अगर इन पहाड़ों को मैं कंपेयर करूँ ना मसूरी वाले पहाड़ों से, ये थोड़ी सी रॉ हिल्स है, मतलब यहाँ पे ना आपको लैंडस्लाइड थोड़ी कम दिखेगी, मसूरी वाले उस साइड कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया तो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा है, बट इधर के पहाड़ जो है ना, एक तो सड़कें थोड़ी सक्रिय है, ज्यादा इस पर काम नहीं हुआ है, कमर्शलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है, सो इस वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी है पहाड़ों पे यहाँ पे। फाइनली 20-30 किलोमीटर और बचा और व्यू देखो क्या तगड़ा व्यू आ रहा है, और हल्की हल्की बारिश चालू हो गई तो स्नोफॉल मिल जाएगा, इसकी एश्योरेंस लग तो रही है, बट नहीं मिला तो हमारे साथ तो कांड होने वाला है, सबसे बड़ा कांड इन भाई साहब के साथ होने वाला है, क्योंकि हमने तो पहले स्नोफॉल देखा भी है, नहीं भाई साहब इन भाई साहब ने देखा, लेकिन ये अपनी बीवी को पहली बार स्नोफॉल दिखाने ला रहे हैं, तो इसके साथ ये कांड पक्का होने वाला है, स्नोफॉल स्नोफॉल का एकदम
पहाड़ा सुना के एकदम लेके आए हैं जिस तरीके से वेदर चल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। और भाई नीचे देखो क्या खाई है गहरी, और जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे ना ये और बढ़ती जाएगी। बादल जो ऐसे पास आ रहा ना कितना मस्त, ऐसा लग रहा है यही बस जाए एकदम, जमीन लेके यही बस फार्म हाउस बनाओ और यहीं पे बस जाओ एकदम मस्त। यार मौसम है यार, चलो जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। फॉग जरूर मिल गया है और इतनी भीड़ आई यहाँ पे बर्फ देखने के, लगता है जाम पक्का लगने वाला है। लेट्स सी, लेकिन भाई लोग इतना तगड़ा फॉग हो रहा है ना, फिर तो गाड़ी चलाने में और थोड़ी सी फट रही है। अब जैसे जैसे करके ऊपर वाला बस स्नोफॉल दिखा दे। अच्छा तो भैया आप तो ऐसा लग रहा है बादलों में आगे, लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो नीचे खाई दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पे बारिश भी थोड़ी कम होगी, बारिश कम हुई है तो लग रहा है कि स्नोफॉल होगा, बट देखो अब होता है कि नहीं होता है। लेकिन फॉग तो बहुत तगड़ा है, अब जल्दी यहाँ से वापस भी निकलना पड़ेगा, स्नोफॉल हो तो देख के या फिर पड़ी बर्फ देख के, अदरवाइज क्या है ना रात को फंस जाएंगे यहाँ पे, कोहरा इतना ज्यादा हो जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। फाइनली चक्राता पहुंच गए और चक्राता में पड़ी हुई बर्फ तो है, यहाँ पे थोड़ी सी पिघल गई है सामने साइड, इधर देखो पड़ी हुई बर्फ है, मतलब स्नोफॉल तो अच्छा खासा हुआ था इसलिए पड़ी हुई बर्फ दिख रही है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे और कितनी है, मतलब स्नोफॉल होना मुश्किल है बता रहे हैं, अगर बारिश हल्की होगी तो ही स्नोफॉल होगा, तो स्नोफॉल तो आज नहीं मिलने वाला, सुनील के सपनों में पानी फिर चुका है। लेकिन हमको पड़ी बर्फ अच्छी खासी दिखने वाली है तो वो देखते हैं। पहले हम चक्राता में जाके मोमोज खा लें, जो मोमो वाली शॉप आपको बताई थी, थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पड़ी हुई बर्फ अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलेंगे वापस बैक टू देहरादून। भाई साहब एक तो फॉग इतना है, ऊपर से पार्किंग नहीं मिल रही गाड़ी की, इन्होंने बोला नीचे फिर पार्क करके फिर ऊपर आओ, तो जहाँ थोड़ी हल्की हल्की स्नो वगैरह पड़ी हुई थी वहीं पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और तो हमने क्या किया, बाकी सबको फैमिली मेम्बर्स को उतार दिया है वहाँ पे और हम इधर आ गए गाड़ी पार्क करने के लिए। गाड़ी पार्क करके हम फिर आधा किलोमीटर जो है वो ट्रैक करके फिर ऊपर जाएंगे। और भाई बड़ी दूर है देख रहे हो, मतलब इतनी दूर आ गए हम लोग ना यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए, वापस पैदल आने में फट जाएगी हमारी, क्या करें गाड़ी तो पार्क करनी है। तनु आप लोग उतर जाओ वरना फिर इधर दिक्कत होगी। ड्राइवर भी ना पहाड़ी होना बड़ा जरूरी है, मैं तो खैर 5 साल से रहते थे पहाड़ी ड्राइवर हो चुका हूँ अब, थोड़ी सी गाड़ी इधर से उधर, मतलब गाड़ी सीधा नीचे, तो परफेक्ट पार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो फाइनली स्वागत है आपका चक्राता में, चलो आपको चक्राता शहर का पूरा टूर देते हैं। चक्राता के बारे में एक और बात मैं बताना भूल गया, जो हमारे एक फेमस सिंगर है जुबिन नौटियाल जी, वो भी यहीं से हैं, उनके फादर पॉलिटिशियन भी हैं बेसिकली, तो उनका भी घर यहीं पे पड़ता है, बहुत प्यारा सा छोटा सा टाउन है, बहुत खूबसूरत है यार, मतलब पहाड़ों के बीच में आओ ना पूरी जन्नत सी लगती है। ऊपर से ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाउन हो जो अनएक्सप्लोर्ड से हो, जहाँ पे टूरिस्ट नॉर्मली कम आता है, तो वो थोड़ा और ऑसम सा लगता है। इस साइड देखो कितना फॉग है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, मतलब एक ऑसम सी नेचुरल एयर वाली फीलिंग आती है। थकान से हो रही है। अब इधर देखो ये पैक सैक चल रहा है क्या इधर, यहाँ पे आराम से भाई लोगों ने हुंडई i10 में ही पैक बना रखा, मस्त सेट हो जाएगी पार्टी। और यहाँ पे तो ऊपर आके तकरीबन 2,500 फीट ऊपर है ये, और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो क्या है ना जैसे ही आप ट्रैक करोगे थकान थोड़ी जल्दी आ जाती है। अब यहाँ पे गाड़ी का यहाँ से अंदर नहीं जा सकती, ये टाउन यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा, या तो आगे आप उधर एक बैरियर है वहाँ पर रुक जाओ, वहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ लो, तो भीगते भीगते मस्त बजा ले रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा टाउन है, तो भाई ये देखो हरी सब्जियाँ कितनी मस्त,
पहाड़ों की एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक हरी सब्जियाँ। अब पूछते हैं हमारे साथ वाली जनता कहाँ है, एटीएम वगैरह भी है यहाँ पे, अगर कैश वैश निकालना हो तो। लोग वही छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं जिनको ठंड लग रही है, कोई जैकेट लाना भूल गया, कोई ग्लव्स लाना भूल गया, कोई टोपी लाना भूल गया, वही छोटी मोटी शॉपिंग हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मली स्टे करने के लिए दो चार होम स्टे वगैरह भी यहाँ पे, और ये वो शॉप भाई इसकी बात करता है, पीएनबी का एटीएम, एटीएम के जस्ट बाद में शॉप है, इनका नाम है चांदना फूड कोर्ट। बेसिकली स्पेशल वेज मोमो मिलते हैं यहाँ पे, चलते हैं मोमोज वगैरह खाने लेते हैं। हमारे साथ यहाँ नहीं, खोजना पड़ेगा उन लोगों को कहाँ गए वो। पहले हमारे साथ वाले हमारी कहीं और चले गए, तो पहले उनको सर्च कर लेते हैं कहाँ है, फोन करता हूँ मैं। हम यहाँ खोज रहे थे, ये भाई लोग सामने बैठे हैं, क्या हुआ यहाँ कैसे आ गए? उधर खाना था, कोई बात नहीं, चलो वहाँ खाएंगे, हम लोग वहाँ खा रहे हैं, तुम लोग खाओ भाई, ये लोग गलत है, हम उधर जा रहे हैं, अरे इनको देखो, पर फिर भी हम टेस्ट जोर कर लेते हैं ये वाला, देख लो अच्छा ही खा रहे तो अच्छा ही है, अच्छा नहीं टेस्टी है, अच्छा बट उतना अच्छा नहीं। मैगी ऑर्डर कर दी है, मैगी ऑर्डर की और मोमोज ऑर्डर किए हैं, बटने 10 मिनट लगे, इसलिए हम लोग सिटी टूर लेने के लिए आ गए। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे ना एक ये किन का स्टैचू बना हुआ, गुलाब सिंह जी है शायद, उन्होंने शायद ये टाउन को बसाया होगा उस टाइम पे। और इधर देखो नीचे भाई फॉगी फॉग और देवदार के पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं भाई, कितने पुराने पेड़ होंगे पता नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ बैठने के लिए थोड़ा सा दिया हुआ, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती, मेरे ख्याल से गाड़ियाँ आ सकती है बट लोकलाइट सी गाड़ियाँ आने की, पर ये देखो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, तो ये शायद जो लोकल होंगे यहाँ के उनके लिए परमिशन मिलती होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि सुबह कुछ टाइम तक गाड़ी आ सकती है, उसके बाद फिर नहीं आ सकती है। इधर ही आगे जाके तो टाउन चला जाएगा, पीछे हमारी मोमो वाली शॉप है, तो वापस चलते हैं मोमो वाली शॉप की तरफ। इधर एक ATM भी है, ये यहाँ का एक चौराहा है जहाँ इंडिया के फ्लैग के स्टाइल में एक ये कुछ चबूतरा सा बना हुआ है। एक वाइन शॉप भी यहाँ पे, किसी को अगर वाइन विस्की वगैरह लेनी हो यहाँ पे, उनको ठंड में हो सकता है, लोग थोड़ा रम पीना प्रेफर करते हैं, तो वो सब भी अवेलेबल है। वो रही एक इंग्लिश वाइन शॉप है यहाँ पे, दो चार अच्छे होम स्टे हैं, बट अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह जो है ना भाई, अगर रुकना है तो मैं बोलूँगा चकराता टाउन आप घूम लो, उसके बाद रुकने के लिए थोड़ा ऊपर चले जाओ, या तो लोखंडी वाला रास्ते पर जाओ बर्फ मिल जाएगी, या तो टाइगर फॉल साइड चले जाओ, उधर के आपको व्यू अच्छा मिलेगा और रुकने के लिए अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, 5-star प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ये लोकल यहाँ पे सब तो क्राफ्टेड मटेरियल लोकल, बेसिकली ये जो टोपी वगैरह है इनकी, ये सब बड़े गर्म करती है बड़ा, ये सब तो यहाँ पे मसाले वगैरह सब लोकल मसाले बना के बेचते हैं, सो बड़ा ऑसम लगता है। एक बेकरी भी है, लास्ट टाइम मेरे को याद है हम लोग आए तो हमने यहाँ बेकरी से केक भी लिया था इस वाली से, देखते हैं मोमोज पक गए होंगे, चलो मोमोज खाते हैं फटाफट। भाई मैं चटनी दिखाऊंगा आपको, चटनी एक नंबर बनती है उनकी, हरी चटनी बनती है, मस्त चटनी बनाती है, तो अच्छा हो गया है, हो गया मोमो। हाँ मैगी थी, हाँ हाँ ये रही, दो दो मैगी, ये देखो मैगी, ये वेज मैगी है, ट्राई करते हैं, हल्के स्पाइसी और मस्त मैगी है। यहाँ लोग राजमा चावल दबा रहे हैं, अच्छी चीज़ पकड़ो, ये दो लोग हैं जिनको उल्टी हो रही थी, तो बेसिकली इनके लिए राजमा चावल ही है यहाँ पे, और आरस को भी राजमा चावल खिला रहे हैं। नहीं 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 मोमोज देखते हैं पहले, और टाइम लगेगा आई गेस मोमोज में, और ये चटनी क्या हरी वाली? हरी नहीं है, टमाटर की लाल चटनी। तो भाई ये तो एक टमाटर की लाल नहीं, हरी चटनी है, टमाटर अच्छा, की चटनी है। देखिए मोमो के साथ कुछ और चटनी भी देते हैं शायद, देखते हैं। मोमो आने ठंड तगड़ी है, हाँ आप गिले हो, इसको ठंड नहीं लगती, मेरे को सच में नहीं लगती, क्योंकि मैंने ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहना, हाँ कान में टोपा तो लगाया, टोपे से क्यों ये रहे देखो, जब बेहतर अब देखो वहाँ सामने वाले मुँह से इतने सॉफ्ट है ना, इतने मस्त सॉफ्ट है, और साथ में ये हरी वाली चटनी, टमाटर की हरी वाली चटनी बनाते हैं लोग, उससे कम से कम 10 में आधा अच्छा भाई, प्यार खाओ प्यार से खाओ, मस्त रहेगा, खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
भाई लोग मोमो तो खा लिए, खा के जैसे वापस आ रहे थे आते समय एक आर्मी वाले भैया मिले, उन्होंने बोला फोटोस और वीडियोस अलाउड नहीं थे इसलिए हमने वहाँ पे शूट नहीं किया। अब वापस निकल रहे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है लोखंडी करके, वहाँ बर्फ पड़ी हुई अच्छी खासी बता रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ का मजा लेंगे स्नो का और उसके बाद वापस आएंगे। एक और कांड हो गया मेरे साथ आज, मोमोज इतने अच्छे थे खाते खाते मैंने अपनी जीप काट ली है तो पूरे मोमोज भी नहीं खा पाया वो ढंग से, बाकी सबने मेरे मोमोज खा के मजे लिए, सबसे ज्यादा सुनील ने मजे लिए। आपको मोमो इतने अच्छे लगे कि पूरे जीप ही काट ली भाई, कट गई जीप, क्या करूं भैया। पिछले 45 मिनट से हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर आए हैं और 4 किलोमीटर थोड़ी मोड़ी बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। देखो इधर साइड में राइट हैंड साइड पे अगर देखोगे तो इधर थोड़ी मोड़ी बर्फ, दिक्कत ये है कि जाम इतना ज्यादा लगा हुआ है, जाम की वजह से गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बर्फ तो मेरे ख्याल से आगे अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है, स्नोफॉल तो मुश्किल लग रहा है, स्नोफॉल कल ही होगा, बट ढंग की बर्फ मिल जाए तो वहां से हम लोग आराम से जी भर के स्नो एंजॉय करके फिर वापस चलेंगे। अब जितना टाइम जाने में लग रहा है उससे ज्यादा वापस भी आने में लगेगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो जा रहे हैं, आज संडे भी है तो मैक्सिमम लोग जो जा रहे हैं वो सब आज ही वापस आने वाले हैं। भाई लोग जाम से छुटकारा पाके हम लोग ना अभी एक ऑफ रोड वाला देवबन लेक वाला मैंने आपको बताया था वो ट्रैक लिया है। देखो आप ट्रैक तो पूरा खराब है, बट आई प्रॉमिस कि आप लोग को तो स्नो दिखा के ही जाएंगे। लेकिन आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ अगर 4x4 हो तो प्लीज 4x4 ना हो तो इस रोड पे बिल्कुल भी ना आइएगा, बहुत तगड़े पत्थर है। देखो रास्ते में स्नो मिल गई यहाँ पे, और जब भी यहाँ पे आओ ना थोड़ा दिन के टाइम में, हम तो शाम को आ गए हैं, मैं पहले दो बार आया हूँ चलो तब ठीक है, बट अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो प्लीज शाम के टाइम में मत आना, सुबह के टाइम में आओ ताकि अच्छे से एंजॉय करके फिर वापस जा सको। लेक तक हम लोग नहीं आने वाले, जहाँ पर ढंग के स्नो मिलेगी वहाँ पे रुक जाएंगे और उसके बाद फिर पीछे आ जाएंगे वापस, क्योंकि स्नो तो मिलनी अब शुरू हो गई अच्छी खासी। देवबन वाले रास्ते पे आगे आ गए हैं 2 किलोमीटर के आसपास ऑफ रोडिंग करके, और देखो अब स्नो प्रॉपरली दिख रही है और कोई भरोसा नहीं, अभी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया, मोटी मोटी बारिश की बूंदें आनी शुरू हो गई है। सबसे बेस्ट हमने डिसीजन लिया क्योंकि वहां रास्ते में लोखंडी तक 16 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, हमने वहां से 4 किलोमीटर ही आगे आके हमको ये रास्ता पता था, ये बाकी लोगों को पता नहीं होता, बेसिकली आप लोगों को बता रहा हूँ इस ब्लॉग के जरिए। सो अगर आप लोग कभी फ्रोजन लेक देखनी हो या कहीं स्नो नहीं मिल रही और आपको स्नो चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर रास्ते पे आ सकते हैं, बट हाँ बड़ी गाड़ी हो तभी आइएगा, छोटी गाड़ी बिल्कुल भी मत आइएगा। थोड़ी बारिश हुई तभी अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको और दिखाते हैं। सो भैया आप तो वीडियो का लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है चैनल को, और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो क्योंकि जहां बर्फ दिख नहीं रही कोई देख नहीं पा रहा, जाम में फंसा, हमने ढूंढ के आपके जगह निकाली, वो भी ऐसी हिडन प्लेस निकाली जो किसी को पता भी नहीं है। सोचो इतनी ऑफ रोडिंग करके फैमिली को लेकर इतना स्ट्रगल करके इतना रिस्क लेके आप लोग के लिए प्लेस निकाले, और हमारे पीछे पीछे देखो एक भाई साहब और आ रहे हैं, एक भाई साहब और पता लग गया कि जब स्नो मिलेगी वो हमारे पीछे पीछे और आ रहे हैं। तो जो देखो भैया आगे जहाँ तक जाओ स्नो बनती जाएगी, अभी आगे दिखाई ही जाएंगे, आगे इस लेक तक जाता है, जो लेक आपको बता रहा हूँ कि फोटो में ऐड करता हूँ इसमें सो दैट आपको उस लेक का पता चल जाए कैसे। अभी हम लोग वहाँ नहीं, रात हो गई है, जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो फोटो में डाल दे रहा हूँ, बाकी यहाँ से फटाफट वापस चलते हैं, टेम्परेचर भी गिरना चालू हो रहा है और बच्चा भी छोटा सा, तो यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। तो भाई लोग हल्का सा चेंज इन प्लान है, हमारे साथ जो लोग हैं इनको हल्की सी बर्फ कम लग रही थी तो हम थोड़ा सा और एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे और थोड़ी ज्यादा स्नो मिल जाए। तो अभी कुछ लोग आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि ऊपर थोड़ी और बेटर स्नो है तो हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। भाई लोग ये देखो, ये है ना जन्नत वाली फीलिंग, बस थोड़ा सा ऑफ रोड करना है आपको, तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास। ये देखो बर्फ भी, हल्का सा स्नोफॉल भी हुआ था, हम शूट करने के लिए कैमरा निकाल रहे थे उतने में बंद हो गया, पर थोड़ी देर मेरे ख्याल से हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारा रुकना अभी सही नहीं है इतना। हमारे पीछे पीछे 3-4 कारें आ गई हमको देख देख के, देखो इधर 2-3 कारें आई है,
बस सब यहाँ पे बर्फ पे मजा ले रहे हैं खीर में। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आपको ना अगर स्नोफॉल नहीं भी हो रही है और आप अगर 15-20 दिन बाद भी आ रहे हैं, स्नोफॉल नहीं हो रही उसके बाद, तो भी आपको ऊपर बर्फ मिल जाएगा और लेक आपको आराम से फ्रोजन मिलेगी। आई एम डैम श्योर कि लेक अभी फ्रोजन होगी। ऊपर एक मैगी पॉइंट भी है यहाँ पे, अब तो यार इतने ऊपर ऊपर पहाड़ों पे आके उन्होंने मैगी पॉइंट बना रखा है, बेचारे कहाँ से रॉ मटेरियल लाते होंगे। यहाँ पे तो भाई बनता है 100 रुपए की एक मैगी, क्यों राग पूरा। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात से, बिल्कुल एग्री करता हूँ, पूरा एग्री कर रहा हूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट है। लॉक कर दे, लॉक कर दो, लॉक कर दो। चलो और पर हालांकि हम खा नहीं रहे हैं, मिलनी तो चाहिए उतने की, पर खा नहीं रहे हम। तो फिर क्या कर रहे हैं? तो फिर मेरे को एक बर्फ दे दे। तगड़ी वाली बर्फ देख ली है, अब स्नोफॉल का वेट नहीं कर सकते, निकलना पड़ेगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चा भी है साथ में छोटा, तो फटाफट निकलता है यहाँ से क्योंकि हमने बहुत रिस्क लिया। चुटकी भी नहीं बज रही भाई, देखो एकदम चुटकी बजा रहा हूँ, चुटकी भी नहीं बज रही, इतने ठंडे हाथ हो ठर पड़ गए। और हमको अभी एक फंक्शन में भी जाना है, एक फ्रेंड की एनिवर्सरी, वहाँ भी जाना है देहरादून पहुँच के, तो हमको 9 बजे से पहले देहरादून पहुँचना भी है। तो चलो फटाफट निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली दिन भर के स्ट्रगल के बाद हम अपने घर आ गए हैं वापस, और स्ट्रगल तो काफ़ी रहा, जाते समय जाम भी लगा, बट वर्थ इट है क्योंकि आपको स्नो मिल जाती है, तो आप जब जिस चीज़ को देखने जा रहे हो वो अगर मिल जाए तो थकान भी नहीं होती, वर्थ इट होता है। सो अगेन आई सजेस्ट कि अगर आप लोग कभी मसूरी प्लान कर रहे हैं या धनौल्टी प्लान कर रहे हैं, इन लोकेशन से बेटर है आप चकराता प्लान करें, और देहरादून से कोई ज़्यादा नहीं 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो आप आराम से प्लान कर सकते हैं। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो टिल दैट बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।